ओम श्री रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवी रूपो जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की। आज शिव जी का खड़ाक्षर स्त्रोत आप श्रवण करने वाले हैं। कहा जाता है इस खड़ाक्षर स्त्रोत को शिव जी के सामने, शिव जी के दिन पर, शिव जी की किसी भी पिंडी के सामने या पार्थों के सामने आप पाठन करते हैं या श्रवण करते हैं तो भगवान शिव की प्रसन्नता आपके ऊपर बरसने लगती है। मन चाहा फल मिलता है, सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं। और जैसा कि आज महिलाओं का तीजा व्रत का त्यौहार है और आज का शिव का और पार्वती जी का विशेष दिन माना जाता है, इस दिन में यदि हम रात्रि कालीन में इस स्त्रोत का पाठन करते हैं या श्रवण करते हैं तो शिव जी की कृपा मिलना निश्चित हो जाता है। चलिए इस दिव्य स्त्रोत को श्रवण करते हैं और प्रयास करते हैं कि नित्य प्रतिदिन हम शिव जी के इस स्त्रोत का पाठन करें और श्रवण करें, क्योंकि हर दिन शिव जी का ही माना जाता है शून्य यानी शिव जी। तो हर दिन हर समय शिव जी का ही समय होता है। आप कभी भी इस स्त्रोत का पाठन और श्रवण कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन और विशेष मुहूर्त होते हैं, जैसे कि आज ऐसे दिन में यदि आप इसका श्रवण करेंगे और पाठन करेंगे तो अति लाभ देखने को मिलेगा। चलिए सुनते रहिए। सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह बोधते। ॐ स्वस्ति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे शिव षडक्षर स्तोत्रम् संपूर्णम् सदाशिवार्पणमस्तु।